इंस्टाग्राम रील्स और इंस्टाग्राम के फनी फनी मीम्स फ्री टाइम में आएगा आजकल हर कोई देखता होगा। वो बात अलग है जब तुम्हारा फ्री टाइम भी नहीं होता फिर भी तुम रील खोल के बैठे रहते हो। तो यस, आज मैं देखने वाला हूँ कुछ फनी मीम्स और रील्स पे जो कि मैंने तुमसे इंस्टाग्राम पे मांगे थे। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते? फिर तुम बोलते हो भिक्षु भैया तुम क्या कर रहे हो आजकल, बता दो थोड़ा कहाँ गायब हो गए हो। इंस्टाग्राम पे सब पता चलता है, तो जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड अगर मैं ऐसे कुछ भी वीडियो आइडियाज आगे करता हूँ तो तुम्हें पता लग जाएगा और क्या पता तुम भी उसमें आ सकते हो। तो यस, लेट्स रिएक्ट टू The memes you sent me on Instagram. ओ भाई साहब क्या क्या होने वाला है। I have legit no idea. मेरे को नहीं पता क्या तुम क्या भेजा होगा क्या नहीं। Okay, पहली मीम, let's see क्या होने वाला है। भाई तुमने कुछ ऐसी वैसी चीज भेजी हो ना मैं रखूंगा ही नहीं वीडियो में। ओके लेट्स सी। मम्मी इधर देखो कितना अच्छा सोना मिल रहा है, सस्ते में सोना मिल रहा है, जिंदगी में कभी सोना। ये पुराना क्यों पहन रखे हो, ये निकाल के ले लो। क्या, लेकिन अगर मॉम डैड भी ऐसे मीम में आने लगे कितना कूल होगा ना, ऐसे मीम कल्चर में हमारे मॉम। हाँ तू मेरे को फोकस ही मत कर, मैं परेशान हो गया उस कैमरे से भाई, मैं सच्ची में भेज दूंगा इसे। When you don't feel like going to school, ever done this? उसने अपने मत्थे पे ड्रायर मारा है गरम गरम एंड देन वो मम्मी के पास गए चेक करवाने की मेरे को बुखार है। तुम आइडिया क्यों दे रहे हो बच्चों को, ये मैंने कभी नहीं किया। पहले उस टाइम पे मेरे पास ड्रायर ही नहीं हुआ करता था, जिनके पास होगा वो कर लेंगे भाई। अभी स्कूल लाइफ अच्छी होती है यार, स्कूल लाइफ एंजॉय करो, बाद में आगे तुम मिस करने वाले हो उसे। माय लाइफ, देखो मैं हंस नहीं रहा हूँ ठीक है, मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं नहीं हंस रहा हूँ, मैं हंसा ही नहीं, मैं मेरे स्माइल गायब हो गया। इतना पितरा दुख क्यों है तुम्हारी जिंदगी में, मैंने फनी मीम्स और फनी पोस्ट मांगे थे तुम। अबे यार क्या आइटम लोग हो यार। ओके नेक्स्ट रील। ओके भाई यू आर नॉट सपोज्ड टू ड्रिंक, गॉड डैम इट भाई। अबे यार यस गाइस डोंट ट्राई दैट एट होम, क्योंकि तुम चिकन नहीं हो ऑब्वियसली, जो चिकन देख रहे हैं उन्हीं के लिए है। ओके फोटो खींच रहा है, फोटो खींच कैमरा ऑन कर ना। ओ भाई आई गेस जो पत्नी है वो थोड़ा भूल गए कि मिठाई खिलाने के लिए होती है, मुंह पे मारने के लिए नहीं। iPhone 18 Pro Max बहुत बढ़िया, इतना ही अमीर होना है कि iPhone 18 Pro Max लेके घूम सके। POV every match test be like 3+2 5 come on 5 yes I'm about to get on this test, this is so easy man। अबे यार ये एकदम से बॉम्ब फट जाता है ना, सही में ऐसे ही होता है स्टार्टिंग में एकदम पिच्चू पिच्चू से क्वेश्चन। भाई राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला बता दो, ये ढूंढ लो, वो वाला एंगल ढूंढ लो, फिर एकदम से पता नहीं क्या आ जाएगा, एक पूरा खेत आ जाएगा, इसमें से इतना हिस्सा निकाल दो, इसमें से इतना हिस्सा निकाल दो, इसमें से ये फेंक दो वो फेंक दो, बताओ कितना हिस्सा बचा। नहीं पता मेरे को। मी एंड माय कजन एट एवरी मैरिज फंक्शन इन चाइल्डहुड, या दिस इज ट्रू, दिस इज लेजिट ट्रू। और कभी कभार वो वाली चेयर आ जाती थी ना जो लोहे की होती थी और एकदम भारी सी होती, तो हमसे उठाई नहीं जाती थी। हम किसी बड़े ब्याह को बुलाते थे, भैया जाओ इंगे को आओ ये उठा के प्लीज आप ही बना दो पहाड़ सा, और हमसे बैठा भी नहीं जाता था, हम उन्हें बोलते थे गोदी में उठा के बिठा के रख दो। ओ भाई अब तो शादी की उम्र आ गई भाई, हाँ तेरी बहुत जल्दी शादी हो रही है तेरी भिक्षु, बताओ भी। आज हम बना रहे हैं पनीर, आप लोगों को देखा नहीं होगा। अच्छा हम बना रहे हैं आज, देखा नहीं हो? हाँ दीदी आप तो दिखा है, थैंक यू सो मच, मैं धन्य हो गया। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं पनीर को। अच्छा रेसिपी है कोई, आएगा देखते हैं चल के दिखाओ, ये देखिए। अबे क्या ये थर्माकोल है, अरे लॉन्ग है ले यार। एग्जैक्टली नहीं खोपड़ी मत तोड़ भाई के। This is me. भाई और क्या, तो हम सिंगल है, हम दूसरों को क्यों खुश देखे। वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई, प्राउड ऑफ यू, सिंगल फॉर लाइफ। ओके लेट्स गो गर्ल्स इन ज़ू। आहा वो पीछे क्या है, कोला भी है? नहीं बॉयज इन ज़ू। ओके क्या भेजा है, टैग योर फ्रेंड एंड से नथिंग। इसने दिमाग खराब कर रखा है, कहीं पे भी कुछ एक्सपेक्ट करोगे ओके कुछ अच्छा आने वाला है एकदम से। क्या है जाओ ना ऐसे। गाइज आई फाउंड द इंडियन कैट,
I am sick of this. ठीक है यार जी, कितना भाई, एक तो ये जनरलाइज कर दिया है, इंडियन जैसे आता है कुछ भी मीम से रिलेटेड तो चालू हो जाता है. डूड टू बी ऑनेस्ट अभी थोड़ा इरिटेटिंग भी हो रहा है, सो प्लीज. देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, डोरेमोन चाहे ना तो एक सेकंड में कोई बढ़िया सा गैजेट निकाल के शिजू का सेट करके दे दे हमारे नोबिता को. पर नहीं, हाँ। बाकी बिल्लियों के साथ इसके लड़ाने, क्या नाम है उसका, मी चैन. अबे हर हाँ। मी चैन के साथ डेट पे जा रहे exactly भाई, कैसे बसेगा? बहुत मतलबी दुनिया है, बता रहा हूँ मैं. और क्या, ऐसे दोस्त को जो डोरेमोन बन के आराम से तुम्हारी सेटिंग करा सकता है, लेकिन उसको अपनी मी चैन से ही फुर्सत नहीं मिल रही. तुमने गलत बंदे को भेज दिया भाई, मुझे किसी को भेजने की जरूरत पड़ेगी अब. लेकिन सही में यार, मैं अभी काफी ज्यादा मैं सोचता था कि वो बेचारा नोबिता इतना परेशान हो रखा है, उसको एक गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है, और लेजिट डोरेमोन एक गैजेट से कर सकता था ये, बट नहीं, उसको अपनी ही माशुका से इश्क लड़ाने में बेचारा इतना बिजी था. आफ्टर गेटिंग 95% मार्क्स इन एग्जाम, मी इन फ्रंट ऑफ रिलेटिव, इश्क में तेरे अनाउंस कर दिया ओ तेरे. राइट भाई, विराट भाई चल रहे ले फुल पुष्पा स्टाइल में वो भाई साहब. करवा चौथ फॉर सिंगल मैन, फोकस ऑन वेयर यू वांट टू गो, ये वही बंदा है क्या? आ मेरी जान. ये देखो, ये खाली कार और इसके पीछे पापा की परी ना हॉर्न दे रही है. ठीक है यार, कभी कभी नहीं पता लगता होगा. When someone is insulting you and you don't have a reply. ओके, मेरे भी काम आने वाला है. जो बोलता है वही होता है. किसी को गलती से कुछ भी बोल दिया, जो बोलता है वही होता है. टीचर भी ऐसे सिखाते थे हमें, अगर बेटा तुम्हें कोई कुछ भी बोलता है तो उसे बोल दो, जो बोलता है वही होता है. अब बोल के दिखाओ जरा, जो बोलता है वही होता है. सामने से चार और बेइज्जती मिलेगी तुम्हें. ओहो, टू सेंड दैट ऑनलाइन क्लासेस आर बोरिंग. भाई ठीक है, क्या हो गया भाई, लेट देम हैव देयर टाइम, दिक्कत क्या है इसमें. अब तुम लोगों को तो मिल नहीं रहा, तो जिसको मिल रहा है उसको तो लेने दो मजे. कोई बात नहीं सर, कैरी ऑन, सब अपना माइक कैमरा सब बंद कर लेंगे. पावर रेंजर्स पोजिंग एंड कॉलिंग आउट देयर नेम्स एंड कलर, विलन्स वेटिंग फॉर देम टू फिनिश. यार लेकिन वो भी क्या दिन हुए करते थे, एसपीडी, यू कैन डू, ये सब देखते थे, इतना मजा आता था. पूरे हमारे मोहल्ले में सिर्फ एक ही टीवी होता था, और हम वहाँ सारे के सारे जाते थे पूरी झुंड बना के, 20 बच्चे ट्यूशन के बाद, सबको टाइमिंग पता होती थी, और साथ में बैठ के पावर रेंजर वगैरह देखना. डूड, जरूरत नहीं है सितारों की. ओहो, जरूरत नहीं है सितारों की. आहा? जरूरत नहीं है यारों की. अरे भाई साहब, एक दोस्त चाहिए आपके जैसा. थैंक यू. एक दोस्त चाहिए आपके जैसा. वो भी है जो वाट लगाए हजारों की. ओहो नाइस, जेठा जी यू रॉक. मेरे को लगा आप कुछ बबीता जी से रिलेटेड आने वाला है, पता आई लिजिट थॉट कुछ आने वाला होगा, बट कोई बात नहीं. जेठा जी हर बार सिंप नहीं करते. जेठा जी नो सिंप नो मोर. ओके डूड, व्हाई डिड वी फेल दिस ईयर? वेल, अ ईयर हैज 365 डेज एंड अ ईयर हैज 52 संडेज विद 50 डेज ऑफ समर हॉलिडे. 8 आवर्स ऑफ डेली स्लीप मींस 122 डेज एंड 1 आवर ऑफ डेली प्ले मींस 15 डेज अलोंग विद 2 आवर्स ऑफ डेली ईटिंग एड्स अप टू 30 डेज एंड 1 आवर ऑफ टॉकिंग एवरी डे मेक्स अप अनदर 15 डेज. ओह, डोंट फॉरगेट एग्जाम डेज एड अप टू रफली 35 डेज. And all those times we go to functions, festivals, gatherings makes up at least 40 days. As well as a minimum of 3 days if we get sick with the flu or something. Together with at least 2 days watching movies and TV shows. And that leaves 1 day. That 1 day is your birthday. So that answers it. We just had no time to study. At all. Dude, why did we... रुको, मैं टीचर को दिखा के आपने. डूड ये सच्ची में यार, क्या कैलकुलेशन अगर सही है फिर तो हमारे पास एक भी दिन नहीं होता पढ़ने का. मैं इसको रिकॉर्डिंग के बाद जरा चेक करूंगा. आई विल क्रॉस चेक इट. संडेज, हॉलीडेज, सिक डेज. हाँ यार भाई सही में, स्टूडेंट्स द्वारा एग्जाम्स में दिए गए सबसे फनी जवाब जिसके बारे में किसी ने सोची ना होगी. नंबर 1, जब एक बच्चे को क्लास टेस्ट के दौरान एक क्वेश्चन मिला कि 1857 की क्रांति पर प्रकाश डालिए, तो देखिए भाई ने किस तरह ऊपर 1857 की क्रांति लिखकर एक टॉर्च बनाकर प्रकाश डाला है. वाओ मेरे भाई वाओ, तू बिल्कुल मेरे ऊपर नहीं गया, मैं ऐसा नहीं करता. इतना आउट ऑफ द बॉक्स कभी होने नहीं दिया टीचरों ने भाई. ये भी एक तरह का टैलेंट है टू बी ऑनेस्ट, उस बच्चे ने अगर किया होगा ये तो. एग्जाम में एक बच्चे को जब दो क्वेश्चन मिले कि कबीर दास जी पर निबंध और अमिताभ बच्चन पर लेख लिखो, तो देखिए कैसे उसने बड़ी चतुराई से कबीर दास जी का नाम लिखकर उस पर निबंध लिख डाला और अमित. डूड दिस इज नॉट इवन रॉन्ग, टीचर को वो अगर बड़ा होगा तो वो फैक्चुअली प्रूव कर देगा. आपने बोला है कबीर दास जी के ऊपर निबंध और अमिताभ बच्चन जी के ऊपर लेख, तो उसने कबीर दास जी लिख के उसके ऊपर निबंध लिख दिया
और अमिताभ बच्चन जी लिख के उसके ऊपर लेख लिख दिया। फोर, बायोलॉजी की परीक्षा में जब एक स्टूडेंट को ये सवाल मिला कि मॉस्किटो साइकिल ड्रॉ करो, तो उसने सही मॉस्किटो साइकिल बनाने की जगह साइकिल चलाते हुए मॉस्किटो का चित्र बना दिया, लेकिन इसे देख शायद उसके टीचर को उसकी ड्रॉइंग स्किल्स भा गई, तभी तो उन्होंने उसे 10 में से 9 मार्क्स दे डाले। डब्ल्यू टीचर भाई, ऐसे होने चाहिए टीचर्स, वेरी गुड टीचर। खे व्हाट अ डॉग टर्न इनटू बनी, अब देख कैसे रहे वो। द डॉग बी लाइक ये कब उतार हो गए आप। क्या चीज है जो पैदा होती है उड़ जाती है? पैदा होते उड़ जाती है। चिड़िया। क्या बोले? चिड़िया। चिड़िया, तुम पैदा होते उड़ गए थे। हैं ये क्या? मैं चिड़िया इतनी सी होती है, उसके पर भी नहीं आते, कैसे उड़ती है? तो बाद में तो उड़ती है ना। बाद में उड़ती है। क्या सवाल था? जो पैदा होते ही उड़ जाती है। पापा की परी। यार तुम्हें क्या दिक्कत है इतना, मतलब ठीक है ना, बेचारों को छोड़ दो। एंड इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं खत्म। डूड दिस वॉज नाइस, मुझे तो बहुत मजा आया, एंड आई होप तुम लोगों को भी अच्छा लगा होगा। सो या आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। लीव अ लाइक इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वेट फॉर द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस आउट। हा हा।